काली बहू के ससुराल आई गोरी एसडीएम सौतन। अरे ये तो मेरा दोस्त सुनील है, ऐसी हालत में क्या कर रहा है? लगता है मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मजदूरी कर रहा है। अरे सुनील देखो, मैं तुम्हारा दोस्त केशव, स्कूल का, याद आया कुछ? अरे सूरज भाई, तू तो बड़ा जेंटलमैन दिख रहा है, पर यहाँ कैसे? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये तो मेरा ही कंस्ट्रक्शन साइट है, तू यहाँ क्यों काम कर रहा है? तूने तो मेरे साथ ही बीकॉम किया था ना, फिर ये सब क्यों? क्या बताऊं यार तुझे, मेरे घर पर पैसों की बहुत जरूरत है, मुझ पर इतना समय ही नहीं था कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करता। मेरा एसडीएम बनने का सपना यूं ही अधूरा रह गया, फिर पत्नी और घर की जिम्मेदारी आ गई, अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। अरे तू अपने हाथों को इतना दर्द कब तक देता रहेगा? अपनी किस्मत बदल, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, क्योंकि तू जिंदगी भर यही करता रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी पढ़ाई को वेस्ट मत जाने दे और इस बारे में सोच। तू बिल्कुल ठीक कहता है, पर मैं पैसों की मदद तुझसे नहीं लूंगा, मैं खुद अपने दम पर एसडीएम के पद को हासिल करूंगा और तेरे सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर उसका दोस्त सूरज चला जाता है। हर रोज मेहनत मजदूरी करते वक्त सुनील के जहन में यही सब बातें चल रही थी और फिर एक दिन वह अपने गरीब परिवार से कहता है, माँ, पिताजी, राधिका, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल अब मैं और ये मजदूरी वाली नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने घर की जिम्मेदारी में अपने सपनों को ही भुला दिया कि शादी हो गई है, पत्नी का खर्चा है, घर है, आप दोनों है, बहन की शादी है, लेकिन ये सब मेरा मलमा मजदूरी ढोने से नहीं होगा। मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर अपना एसडीएम बनने का सपना पूरा करना चाहता हूँ और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। मैं इतना जिम्मेदार हो जाऊं कि मुझे गरीबी के दिन न देखने पड़े। अगर बेटा तू ये सब करना चाहता है तो हम तेरे साथ हैं। हाँ बेटा, हम तेरे साथ हैं, तू बस दिन रात मेहनत कर, पढ़ाई कर, और आप घर की टेंशन मत लेना, उन जरूरतों को मैं पूरा करूंगी और मैं इसमें भाभी की हेल्प करूंगी, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर एसडीएम बनने की तैयारी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा सहारा बन रहे हैं, बस कुछ ही समय की बात है। इस तरह सुनील एक महीना अपने दोस्त के ये मजदूरी करके उन पैसों से एसडीएम बनने की किताबें लाता है और दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। वहीं घर की जिम्मेदारी अब राधिका लोगों के घर पर झाड़ू पोछा करके करती है और उन पैसों को लाकर एक छोटी सी खोके की दुकान खोलती है जिस पर महेश बैठकर दुकानदारी करता है और अंकिता आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। सारे बच्चे कॉपी में काम करो और मेरे साथ बोलो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई करना और स्कूल का काम घर जाकर कर लेना और जो ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। जी मैडम। वहीं राधिका की मालकिन सोनाक्षी उससे कम पगार में बहुत ज्यादा काम करवाती थी, घर जाने का टाइम होता था तो कहती थी, जा रही हो? मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है राधिका, जरा पैर दबा दो फिर 15 मिनट बाद चली जाना। जी मैम साहब। पैर दबाने के बाद राधिका घर चली जाती है। तीनों जगह से थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, पूरा परिवार सुनील के एसडीएम बनने के सपने को पूरा करने के लिए तत्पर था। वहीं इतनी मेहनत और लगन से एक दिन सुनील एसडीएम बन जाता है। माँ, पिताजी, अंकिता, राधिका, आप सबकी मेहनत रंग लाई और मैं एसडीएम बन गया। जुग जुग जियो मेरे लाल, अब हमें अंकिता की शादी के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा और ना खाने पीने की दिक्कत होगी। अब तो सुनील जी आप बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए आज हम सब बाहर खाना खाएंगे। फिर सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। फिर सुनील एसडीएम बनने के बाद सरकारी कामों में व्यस्त हो जाता है जहाँ उसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों में होता है। वहीं उसकी मुलाकात करिश्मा नाम की एक अमीर लड़की से होती है जिस पर सुनील का दिल आ जाता है। करिश्मा भी उसे पसंद करने लगती है। फिर कुछ दिनों में वो एक दूसरे से बार बार मिलने लगते हैं। सुनील, अब तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो तुम अपनी गरीब पत्नी को छोड़ क्यों नहीं देते हो? हम दोनों बहुत खुश रहेंगे और मैं तुम्हारी पत्नी की तरह काली भी नहीं हूँ, बहुत सुंदर हूँ, तुम हर जगह ले जा सकते हो मुझे। एसडीएम बनने के बाद अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करो। बिल्कुल ठीक कहती हो, उस गवार पत्नी को छोड़ देना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो?
हाँ बिल्कुल, कल ही हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी करके घर लौटते हैं। घर में सभी लोग सुनील के गले में वरमाला और उस लड़की को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। सुनील जी, आपके गले में वरमाला क्यों है और कौन है ये गोरी सी लड़की? सुनील बेटा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? तूने इस लड़की से शादी कर ली है, तू मेरी बहू की सौतन कैसे ला सकता है? हाँ माँ, आखिर मैं कब तक अपनी काली पत्नी के साथ रहता? अब मैं बहुत बड़ा अफसर बन चुका हूँ और राधिका के साथ नहीं रहना चाहता। भैया आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। भाभी ने आपका दिन रात कितना साथ दिया, एसडीएम बनाने के लिए कितना कुछ किया और आपने भाभी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या बकवास लगा रखी है? तुम्हारा भाई गरीब बनकर रहेगा क्या? उसका भी कोई स्टेटस है अब? वो तो चेंज करनी ही थी। और सुनील, हम अपने कमरे में चलते हैं, आई एम टू टायर्ड। ऐसा कहकर करिश्मा और सुनील अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। करिश्मा बेढंग कपड़ों में अपने सास ससुर के सामने रहती थी और उनका आदर भी नहीं करती थी। करिश्मा अपने गरीब ससुराल वालों पर बहुत दबाव भी डालती थी। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोगों को घर की सफाई वगैरह करनी पड़ती थी। और एक दिन महेश के हाथ से एक महंगी पेंटिंग गिर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये तो बहुत महंगी पेंटिंग थी। तोड़ दी ना आपने मेरी इतनी महंगी पेंटिंग? अरे पता भी है कितने लाखों रुपए की है? आप जैसे गरीब अनपढ़ गवार लोगों को ना इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। सारे के सारे इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। अरे बहू, ऐसे क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ इतनी सी बात पर? हम सबको घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ रहेंगे? यही तो हमारा घर है। करिश्मा तुम मुझे निकाल दो, पर मम्मी जी पापा जी के साथ ऐसा मत करो। और अंकिता का क्या दोष है? सुनील जी आप तो कुछ बोलिए। सुनील, अगर तुमने मेरी बात को काटा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनकर सुनील खामोश हो जाता और करिश्मा उसके परिवार वालों को घर से बेघर कर देती है, जिसके बाद वो भटकते भटकते जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। धीरे धीरे सुनील को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था और एक दिन अपने घर में वह करिश्मा को एक पराये मर्द के साथ गले लगते हुए देख लेता है। ब्रिजेश, आज हम सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे। और क्या, हम जो करना चाहते थे हमने कर लिया। एसडीएम बनकर भी तुम्हारा पति गवार का गवार ही है। ये बात सुनील को बर्दाश्त नहीं होती और वो आते ही करिश्मा को एक तेज चाटा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ विश्वासघात करने की? तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वो रोड पर आ गए हैं, मैं तब भी कुछ नहीं बोला, पर आज मैं जान गया कि तुम दोगुली हो जिसे दूसरा आदमी चाहिए और ये इंसान मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी यहाँ आइए, मिस करिश्मा को गिरफ्तार कीजिए, ये मेरे पैसे लेकर फरार होना चाहती थी, उनके साथ ब्रजेश को भी। नहीं नहीं सुनील, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। बकवास बंद करो अपनी, माँ बाप को ढूंढना होगा। तभी सुनील के कहने पर पुलिस आकर करिश्मा और ब्रजेश को गिरफ्तार कर लेती है। फिर सुनील अपने माँ बाप को ढूंढता ढूंढता जंगल पहुँच जाता है, जहाँ उनकी बहुत गरीब हालत थी। माँ, पिताजी, अंकिता, राधिका, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था जो उस चुड़ैल की बातों में आ गया। वो मुझे धोखा देने वाली थी लेकिन मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी हरकतों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज वापस घर चलिए। मैं जानती थी बेटा तू हमें वापस लेने जरूर आएगा, तेरी आंखों की पट्टी खुल गई। तुम भी मुझे माफ कर दो राधिका। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया, हम घर चलते हैं। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद सुनील अपने परिवार को घर ले जाता है और उनके साथ एक अमीर जिंदगी बिताता है। चलो अच्छी बात है, पिंकी सारा मसाला कूट गया। हाँ दीदी, मसाले की गंध बहुत पड़ रही है, अभी आप कपड़ा मत हटाना मुंह से वरना चेहरे पर बहुत जलन होगी। हाँ वो तो है। तभी वहां से उनकी सास सुमन गुजरती है, उड़ते हुए मसाले उसकी नाक में घुस जाते हैं जिसे वो बहुत छींकती है और खांसती है। अरे राम रे, मर गई, मैं तो मार डाला, यही करना था तुम दोनों नासपीटी करम जली कलौटनों को काम, आंगन में मसाले कूट रही हो। माजी माजी, आप तो बहुत खांस रही है, इधर आ जाइए। दोनों काली बहू अपने हाथ धोकर फटाफट सास को अंदर ले जाती हैं और पानी पिलाती हैं। पानी पीने के बाद ही सुमन चिल्ला कर गिलास फेंक देती है। नासपीटी कलूटन, कोयले की खान से जन्मी चुड़ैलो, मेरे बेटे तो तुमसे शादी करके बर्बाद हो गए और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर, अभी तो तुम मुझे मार ही डालती। इन मिर्च मसालों से पता भी है कितना नाक में और आंखों में चुभ रहा है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप अचानक से आ जाएंगी। जी माँ जी, आपको और पानी चाहिए? आप ठीक तो है ना? आप बकवास बंद करो,
मन तो आता है तुम दोनों को इस घर से बाहर कर दूं, दोनों की दोनों काली कलूटी और मनहूस कहीं की। पता नहीं वो कौन सा दिन था जो मेरे दोनों बेटे तुम्हें बहा कर इस घर में ले आए। मुझे दो थप्पड़ उन्हें मार कर तुम्हें इस घर से बेदखल कर देना चाहिए था। माँ जी आप माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है अब खड़ी क्या हो, जाओ मेरा दिमाग बहुत गर्म है, कुछ ठंडा शरबत लेकर आओ। और तू टुया कहाँ चल दी, अरे जरा हमार सिर की मालिश कर दे, सिर दबा। जी माँ जी। फिर शैफाली सुमन के सिर की चंपी करती है। वक्त बीतता है, अक्सर सुमन अपनी दोनों काली बहू की वजह से उन पर चिल्लाया करती थी, उनके कामों में कमियां निकाला करती थी। ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब दोनों बहू की आंखों में आंसू नहीं आ जाते थे। फिर एक दिन सुमन के दोनों बेटे राजन और सुमित उदास होकर घर लौटते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हाँ बेटा बताना। क्या बताऊँ माँ पिताजी, वो राठौर साहब है ना, उन्होंने हमें कहा था कि इस महीने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसी की इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम दोनों ने अपने 1.5 साल के जोड़े हुए 3-3 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में लगा दिए। और जब 2 हफ्ते बाद हमने उस प्रोजेक्ट पर राठौर जी से बात करी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो भाग गए, फ्रॉड कंपनी से जुड़े थे। बर्बाद हो गए माँ, हम बर्बाद हो गए। जो बचे कुचे पैसे थे वो भी चले गए और नौकरी भी नहीं रही। हे भगवान ये क्या हो गया, तुम दोनों की मेहनत की कमाई कोई और ले गया, उसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब क्या होगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा और अब नौकरी भी नहीं रही। दीदी अब तो बहुत फिक्र हो रही है, दोनों भाई कितना परेशान होंगे। 6 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, भगवान उस फ्रॉड इंसान को सबक सिखाए। दिन गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त की रोटी खाई जा रही थी। दोनों बेटे तो टेंशन में थे, कभी शेफाली बहू दाल चावल बना देती तो छोटी बहू खिचड़ी बना दिया करती थी। और एक दिन पूरे परिवार को प्यास से रोटी खानी पड़ी। वो दोनों काम की तलाश में निकलते हैं तो कोई उन्हें काम भी नहीं देता। ये सब देखकर पिंकी कहती है, दीदी आप तो देख रही हो घर में सब कितने परेशान हैं, शायद हमें कुछ करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो पिंकी, हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते, जरा बाजार में जाकर देखते हैं सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, उसी चीज की दुकान लगाने की सोचेंगे या वही काम करेंगे। मेरे कानों के कुंडल में बेच दूंगी, चलो चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? माँ जी हम बाजार जा रहे थे ताकि किसी नए काम की शुरुआत करें। तुम दोनों कल उठनों पर 10 रुपए भी नहीं है और आई है नया काम करने। माँ जी मैं अपने कान के कुंडल बेचकर उस काम की शुरुआत करूंगी। क्या बोली तो, कोई जरूरत नहीं है, इन्हें उतार कर मुझे दे दे, आई बड़ा बेचने वाली, वैसे भी तेरी माँ ने दहेज में कुछ दिया नहीं था। सुमन के ऐसा कहने पर मजबूरन शेफाली को कान के कुंडल सुमन को सौंपने पड़ते हैं। अब उनके सामने जो एक रास्ता था वो भी बंद हो गया था। पर शाम को वो बाजार चले जाते हैं और देखते हैं कि आसपास टमाटर की बिक्री ज्यादा है। अरे मंडी में टमाटर काफी लोग खरीद रहे हैं, हमें यही काम करना चाहिए, सस्ता भी बेचेंगे तो बहुत पैसे होंगे। हम उन पैसों से टमाटर की बोरियां लाकर मंडी में लगाते हैं, पर माँ जी ने तो हमसे वो भी ले लिए, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आंटी आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मैंने 4 दिन से कोई खाना नहीं खाया है। अरे बेटा पर हमारे पास। प्लीज आप मना मत कीजिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब मना कर देते हैं। हमारे साथ घर चलो, तुम्हें वहाँ खिलाते हैं। दीदी घर में जो होगा थोड़ा सा खिला देते हैं, कुछ तो इसकी भूख शांत होगी। जी ठीक है। तभी दोनों काली बहू घर में बचे हुए दोपहर के खाने को उस छोटी सी बच्ची को खिला देती हैं। इतने में वो छोटी सी बच्ची एक खिलौना छोड़कर भाग जाती है। दीदी लगता है वो लड़की खाना खाकर चली गई, रुकी भी नहीं और उसका खिलौना भी यहीं रह गया। पिंकी उस खिलौने को जैसे ही उठाती है तो उसके हाथ से वो खिलौना गिर जाता है, उसमें से 3-4 बीज निकलते हैं। छोटी सी गुड़िया जिस खिलौने से खेल रही थी उसमें से टमाटर के बीज कैसे निकल सकते हैं? दीदी मुझे तो लगता है शायद वो लड़की हमारे लिए देवी बनकर आई थी जो टमाटर के बीज छोड़ गई। हम जल्दी से इसे उगा देते हैं। घर के आंगन में दोनों काली बहू टमाटर के बीज को बो देती हैं। अगले दिन उनके आंगन में बहुत सारे लाल लाल टमाटर थे, ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे
इतने सारे टमाटर हमारे आंगन में? हाँ माँ जी, मैंने और दीदी ने मिलकर उगाए हैं और ये एक ही दिन में उग गए। मुझे तो लगता है ये टमाटर जादुई है। अच्छा, मैं जरा तोड़ कर देखता हूँ। प्रकाश उस टमाटर को तोड़ता है तो जादू से वहाँ एक और टमाटर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में ही जादुई टमाटर है। अब हम इसे मंडी में बाकी लोगों से थोड़ा कम दाम में बेचने जाएंगे, जिससे हमें बहुत मुनाफा होगा और हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। ऐसा बोलकर दोनों काली बहू बाजार में टमाटर बेचती हैं। टमाटर ले लो, टमाटर ताजा ताजा लाल लाल टमाटर ले लो, सिर्फ 50 की 2 किलो, 50 की 2 किलो। आइए आइए और टमाटर ले जाइए। अरे वाह, आपके टमाटर तो सच में ही बहुत ज्यादा चमक रहे हैं और लाल लाल हैं। जरा मुझे 10 किलो दे दीजिए, मेरे घर में फंक्शन है। मुझे 5 किलो तोल दीजिए। दोनों काली बहू के टमाटर बेचने से पहले दिन उन्हें बहुत मुनाफा होता है। फिर देखते ही देखते उनकी बहुत कमाई होती है। जादुई टमाटर उनके आंगन में जितने कम होते थे उतने बढ़ते थे और कभी खराब भी नहीं होते थे। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी हो गई। वो अच्छे से खाने पीने लग गए, जिससे एक दिन सास बोलती है, तुम दोनों बहू मुझे माफ कर दो, तुमने हमारे परिवार के लिए इतना किया और मैंने बदले में तुम्हें हमेशा सुनाया और कालेपन की कांटे भरी बातें कही। इसके बाद भी तुमने आज तक मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। और बहू, मैंने जो तेरे सोने के कुंडल लिए थे, ये ले, मैं तुझे वापस कर रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे इस तरह माफी मत मांगे, आप बड़ी हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब हम बहुत खुश रहेंगे साथ में, इतने पैसे हैं कि हम नया बिजनेस कर सकते हैं। सच में तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, तुमने नाजुक हालत में हमें बहुत सहारा दिया है। बाजार में जाने का समय हो गया है, हम चलते हैं। माँ जी, पापा जी, हम जा रहे हैं। तभी दोनों बहू टमाटर से भरी रेड़ी लेकर घर से निकलती हैं कि एक पुलिस जीप से पुलिस राठौर की गर्दन पकड़ कर उनके सामने आते हैं। मिस्टर राजन और सुमित का घर यही है ना? दरअसल हमें वो फ्रॉड राठौर मिल गया है, ये रहा, जो आपके पैसे लेकर भाग गया था। इसने आपके साथ ही नहीं और भी लोगों को बेवकूफ बनाया है। चल माफी मांग। अरे मुझे माफ कर दीजिए, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके जो पैसे लिए थे मैं वापस लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि मासूम लोगों के साथ दोबारा ऐसी हरकत ना करे। चल यहाँ से। तभी इंस्पेक्टर उसका कॉलर पकड़कर जीप में डालकर ले जाते हैं, जहाँ उसे जेल में अपने किए की सजा मिलती है और राजन सुमित को अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। और जादुई टमाटर से दोनों काली बहू सास से सम्मान पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं।